मॉर्निंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ देसी वॉइस। मिसेस है सिंपल लाइफ देसी वॉइस, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ देसी वॉइस इन अनदर ब्लॉग। और आज है फ्राइडे, इसलिए हम बहुत खुश हैं ना मिशा। मिर्जा बहुत खुश है। हम अभी जस्ट आए हैं और अभी 7 बज रहे हैं। या 7 बज रहे हैं, अभी हम आए हैं। अभी हम लोगों ने चेंज भी नहीं किया है। मिशा थोड़ी देर पहले सो के उठी है 6 बजे, तो अभी वो ठीक ठाक है। तो अभी फ्राइडे है तो हम अभी आराम से खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे ना मिशा। मिशा के लिए भी मैं डिनर बनाऊंगी और हम लोगों का भी डिनर बनाना है और कुछ स्पेशल है तो मैं कुछ खाना बनाऊंगी, ज़्यादा स्पेशली नहीं बट थोड़ा बहुत। और हमने थोड़ा लेट होगा डिनर करने में, तो हमने बाहर से हाँ से कुछ खरीद के लाए जो कि हम स्नैक्स टाइप का भी खा सकें। फिर थोड़ी देर में हम लेट थोड़ा डिनर करेंगे। तो चलिए, तो इस ब्लॉग में बने रहिए, लेट्स सी क्या क्या होता है इस वीकेंड में और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मामा व्हाई यू क्राइंग, लुक एट हियर, लुक हियर, कुकी ओके मिशा यू हैव वीडियो करने। मैं बोली थी ना कि मैं स्नैक्स हम लोग थोड़ा बहुत लेके आए, तो ये एक मैक्सिकन स्पेनिश आई डोंट नो तमालेस बोलते हैं, ये कॉर्न का रहता है स्पाइसी चिकन का। मैं खाई और सुमित उधर अपना लेके बैठे ले। मिशा यहाँ पे चिल कर रही है, तो हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स कर लिया और अभी आप मैं कुकिंग करूँगी, मिशा का खाना बनाऊँगी। मिशा को नहलाना है, काम पे ही काम है, एकदम से भूल गई। मिशा के लिए खाना बना रही हूँ, मिशा का पोहा बना रही हूँ। कुछ खा नहीं रही मीठा, मिशा जी को थोड़ा सा उसको नमकीन खिला के देखते हैं कैसे। कल मैं पिज़्ज़ा खा रही थी तो खा रही थी, तो चीज़ टमेटोज मिशा जी को थोड़ा टमेटो डाल के पोहा बनाओ। यहाँ पोहा मैंने भिगो दिया है, फिर अपना खाना बनाएंगे। उसको पहले खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, फिर आराम से बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं। और दिन टाइम देख लीजिए, टाइम 10:05 है। अभी जाके खाना बना है, मतलब मैं बहुत देर से किचन में थी, ऐसा नहीं है। शायद 9 बजे 8:45 ऐसे स्टार्ट की थी। मिशा को खिलाने में बहुत टाइम लग गया, पापा ट्राई किए, मम्मी ट्राई की, फिर पापा ट्राई किए, मम्मी ट्राई किए, उसके बाद जाके हुआ। तो हम लोगों ने अभी डिनर नहीं किया क्योंकि उस टाइम खा लिए थे और हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, उनके साथ डिनर करेंगे। तो हमारे ये न्यू हेवन के फ्रेंड है, तो इसलिए हम लोग वो लोग आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ आज। एक्चुअली वो लोग गए थे कैलिफोर्निया, तो वहाँ से उन लोगों का फ्लाइट था JFK में, तो JFK से फिर वो लोग आज रात को यहीं रुकेंगे, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो एक साथ ही डिनर करते हैं। उन लोगों का फ्लाइट लेट था, वो लोग बोले थे, बट जल्दी लैंड हो गए हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। और मिशा सो गई है, मिशा दूध भी पी ली है, सही है, खाना नहीं खाई है बेचारी। ठीक है, तो हम लोग मिलते थोड़ी देर में। मेरा खाना बन गया, खाते टाइम दिखाती हूँ मैंने क्या क्या जल्दी जल्दी में बनाया है। नूपुर आंटी, नूपुर मासी, नूपुर मासी के चैनल। वेयर इज नूपुर मासी? Do you know? You don't know? No money, nahi yaar. Na theek hai, okay, to time leg. Are yaar, we'll give you some time. Take your time. Are yaar? Are yaar? You are getting scared? Are yaar? You are getting scared? Are you scared? I think he is getting scared. Are yaar? Are yaar? Are you getting scared with the cactus? Oh no, he is getting scared. Just turn it off. He is getting scared.
अच्छा ठीक है जब बोलो कि ही इज अ स्मॉल बॉय ही इज नॉट अ बिग बॉय डिनर हो रहा अभी आर्यन आर्यन डू यू वॉच माय व्लॉग बोलो यस आई विल डू ओके ओके नो नो योर मॉम विल सी योर मॉम विल वॉच थैंक यू मॉमी दैट्स डिलीशियस आइस बंगला तो की है फिश करी सरसों दी पेस्ट मस्टर्ड पेस्ट दाल और साग साग जनरली रात्रे खाए ना बट हम खाची सारा दिन समय है ना खावा तो कौन खाओ सेटाई सुमित परिवेशन कर खाना परोस रहे हैं अरियंत का खाना हो गया अरियंत अभी मिशा का खाना खा रही है हाय कर दा हाय Let's meet Payal, Anirudha, Aryan. Kuda teke new heaven teke. Hum log new heaven se aaye hain. New heaven se milne. New heaven hamara purana ghar hai. New heaven sabka first ghar hota hai. Uske baad ise log move karte hain. न्यू हेवन को फैमिली के साथ हम लोगों का फैमिली फैमिली न्यू हेवन का ऐसा फैमिली था हम लोग कभी अपना फैमिली महसूस किया ही नहीं हां मिस नहीं किया वही चल रहा है आइए देखिए गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है पायल लेके आई हम लोगों के लिए गिफ्ट यहाँ है मिशा का गिफ्ट ये देखिए मिशा का ब्यूटीफुल सा ड्रेस है कुछ और यहाँ है हम लोगों के लिए फ्रिज मैग्नेट हॉलीवुड उधर रखे मिशा मिशा क्या मन हलो मासी मानी साथे तुम्हारा इंटरेक्शन फर्स्ट इंटरेक्शन খুব ভালো লেগেছে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি রোজ বাবার মাকে দেখি আজকে একটা মাসিমণিকে পেয়েছি হ্যাঁ আমাকে দিয়ে দাও দাদা দাদা ঘুমাচ্ছে আমি করে দিচ্ছি দাদাকে উঠিয়ে দাও বলো দাদা হ্যাঁ খুব ক্যামেরা ক্যামেরা দেখতে শিখে গেছে মিশা মিশাই দেখো মিশা এই দেখো বলো গুড মর্নিং দাদা ঘুমাচ্ছে দাদা উঠছে আরিহান দাদা ওরে বাবা আরিহান দাদা আবার বুনু বুনু করে দিয়েছে আরিহান দাদা উঠা চলো ওয়েক আপ বেবি ও দাদা ভাই উঠে পড়ো ওই দেখো উঠেছে এখনো গা ভাঙছে और बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे तो हम लोग फिर मैं खाना बनाना सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा स्टार्ट कर दी यहाँ मीशा और अरिहंत भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं साथ में मैं यहाँ पे पूरी बनाऊँगी और आलू की सब्जी आलू चचड़ी जो बंगाली स्पेशल होता है सुबह सुबह अच्छा लगता है खाने में और इधर एक भी बॉयल कर रहे हैं मीशा और अरिहंत के लिए वो लोग खाएँगे उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे सुबह का अभी हम दोनों मिल के फिर यहाँ पे बातें करते करते पूरी छान रहे हैं तो सुबह बहुत अच्छा कट रहा है ऐसे सुबह फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते एक रिलैक्सिंग वीकेंड बहुत मज़ा आता है तो वही हम लोग कर रहे हैं गप्पे और काम दोनों साथ में और भूख भी लग गई तो खाना भी खाना है हम लोगों को लगभग 10 बज गए हैं शायद तो अभी खाना खा लेंगे फिर बाकी का देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्लान हम लोगों का बाहर लंच करते हैं या घर पर लंच अभी सुबह का ही सोच रहे हैं तो अभी सुबह ही देख लेते हैं क्या होता है और इधर एकदम अपने दादा भाई के साथ खेलने में बिजी है वो बहुत मतलब मज़ा करती है कोई घर पे बच्चा हो तो बहुत मस्ती मारती है वो अभी देखिए हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है पूरी आलू का चचोड़ी और चाय और सब सुमित का हो गया है हम दोनों का हो रहा है अभी दादा सो रहे हैं दादा का बाद में होगा दादा का কি ভালো লাগছে এটা রোদটা আছে চশমা করে কেন চলে দিতে চলো হ্যাঁ তো আমরা আবি যা রে পার্ক মে আর পায়েল বাচ্চা লোক আর বাচ্চে কে পাপা লোক ঘর পে যা রে নাস্তা পানি হো গিয়া লাঞ্চ হম লোক বাহারি করেঙ্গে ইসলিয়ে কোই খানা বানানে কা সিন নেই হ্যায় তো থোড়া সা বাহার যা রে হম দোনো থোড়া সা মস্তি কর লেতে হম লোক আবি এক ফ্রেন্ড কো ফোন কিয়ে থে নুপুর কো
तो फिर से बात हो गई है। अभी और सबको कर सकते ना ज्योति ज्योति का, किंतु ज्योति मास से बोला मेरा एक डिस्टर्ब कुछ नहीं, लास्ट वीक ही ऐसे तो ये भी कहना बड़ा व्यस्त थकने की ना। हम लोग बाहर जाने वाले थे लंच करने, पर अभी प्लान कैंसिल हो गया। दादा वहाँ पे सो ही रहे हैं, तो दादा को देख के हम लोग कैंसिल कर देंगे, दादा को सोने देते हैं। और यहाँ पे पायल देख रही है, कर सकते हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट से कर रहे हैं 99। और ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं केला वेला मिश्रक के लिए लाने के लिए, और योगर्ट। अरियन भी जा रहा ना, अरियन मिशा भी लंच करेगी, मिशा एवोकाडो खाएगी। मिशा इज ऑन द हाई चेयर। मिशा দেখছে কি কোথায় যাবো কি হচ্ছে। এই জন্যই যাচ্ছ, তোমার এখানে একটা ডিমান্ড আছে। বাই 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 আরিয়ান, সি ইউ সুন। মিশা এই যে ইয়ে আ গিয়া হামারা লাঞ্চ, बहुत जल्दी डिलीवर हो गया। हम लोग कितना बजे किए, 1 बजे किए ना, आधा घंटा में आ गया। हाँ अभी हम लोग लंच करेंगे, वो लोग अभी तक बाहर से नहीं आए। मीशा का आधा लंच हो गया, मतलब उसका पूरा ही। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे, पहले एपेटाइजर हो गया, अभी चिकन बिरयानी चल रहा है, यहाँ मटन करी, दोई, पराठा और उधर राइस। तो तो हम लोग फाइनली लंच घर पे ही कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर कर लिया बाहर से, क्योंकि लेट भी हो गया था और दादा लोग आए तो दादा थोड़े टायर्ड थे, तो जाना भी नहीं चाह रहे थे, सो रहे थे। तो अच्छा प्लान सुमित ने दिया, तो हम लोग फिर लंच कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा वीकेंड कटा फ्रेंड्स के साथ, जब आते तो उस तरह से खाना पीना गप्पे होता, और फ्रेंड्स लोग ही यहाँ पे, हम जब बाहर रहते घर से बहुत दूर तो फ्रेंड्स ही फैमिली होते, तो बहुत ही मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली बोलो, और ये फैमिली मतलब बहुत ही प्रीशियस होता है जब आप बाहर रहो, तो हमें बहुत मज़ा आता है जब कोई आते घर पे। तो इस तरह से हम लोगों का वीकेंड कटा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये ब्लॉग थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में दूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पेंट करती हूँ, और ये लोग आज चले जाने वाले थे बट हम लोगों ने इनको किसी तरह रोक लिया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोग के साथ डालते रहूँ, और हमारी लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टाइल जो हम बाहर रहते हैं उसको आप लोग के साथ शेयर कर सके, किस तरह से हमारी ज़िंदगी यहाँ कटती है, कितनी सिंपल है, जो हम दूर से समझते हैं कि ये लोग बाहर रहते हैं ऐसे हैं, बट वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग भी एक सिंपल सी ज़िंदगी यहाँ काटते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू सून।